वेलकम बैक, मैं मोहम्मद। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल फंक्शंस के तीन फंक्शन कवर करेंगे, टी बिल प्राइस, उसके बाद टी बिल यील्ड और तीसरा है टी बिल ईक्यू। उसी तरह ये तीनों फंक्शंस की कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथ ही में फाइनेंशियल फंक्शंस का पूरा प्लेलिस्ट, उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया है, तो प्रीवियस वीडियो जो है आप वहां से देख सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। टी बिल प्राइस ये फाइनेंशियल फंक्शन का एक फंक्शन है। ये फंक्शन जो है ये ट्रेजरी बिल का प्राइस पर 100 फेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये फंक्शन के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। सेटलमेंट, ये एक रेगुलर डेट है, ट्रेजरी बिल का सेटलमेंट डेट। मैच्योरिटी, ये भी एक डेट है, ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी डेट। डिस्काउंट, ये ट्रेजरी बिल पर डिस्काउंट रेट, ट्रेजरी बिल का डिस्काउंट रेट। तो ये इसके तीन आर्ग्यूमेंट है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि एक कॉलम में ये सभी रिक्वायर जो आर्ग्यूमेंट है उनकी वैल्यू पहले टाइप करके रखेंगे। सेटलमेंट December 15, 2015, मैच्योरिटी June 25, 2016, डिस्काउंट 3%। अभी ये सेल में हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू टी बी आई एल एल पी आर आई सी ई ब्रैकेट ओपन। अभी मांग रहा है सेटलमेंट, तो हम ये सेल सेलेक्ट करेंगे आर फोर, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद मैच्योरिटी तो ये आर सिक्स, ये सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, डिस्काउंट तो आर एट, ये सेल सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, ये इसका टी बिल प्राइस जो आया है 98 आया है। ये फंक्शन में दो एरर आते हैं। पहला, नम, अगर सेटलमेंट डेट मैच्योरिटी डेट से आगे की हो या मैच्योरिटी डेट सेटलमेंट डेट की एक साल के मैच्योरिटी डेट जो है सेटलमेंट की एक साल के बाद की हो और डिस्काउंट जीरो से कम हो, अगर तो हम चेक कर लेते हैं। सेटलमेंट डेट अगर मैच्योरिटी डेट 2016 है, अभी हम ऐसा करते हैं इसको 2017 कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर जो है नम, ये एरर आया है। कंट्रोल जेड करके इसको हम जो है अंडू कर देंगे। उसके बाद मैच्योरिटी डेट जो है ये सेटलमेंट डेट के एक साल के बाद की हो, अगर सपोज अगर इसको भी हम 2017 कर लेते हैं तब भी ये एरर आएगा ऊपर। ये देखिए कंट्रोल जेड करके इसको भी हम जो है अंडू कर लेंगे। तीसरा जो है डिस्काउंट, ये लेस देन जीरो रहा अगर तो ये एरर आएगा, जैसे गलती से अगर -3 हो गया किसी के हाथ से तो तब भी ये एरर आएगा। तो इस तरह से ये एक एरर है। दूसरा एरर इसमें आता है, अगर सेटलमेंट या मैच्योरिटी ये अगर जो है ये दोनों डेट, सेटलमेंट डेट और मैच्योरिटी डेट, ये अगर वैलिड जो इसका फॉर्मेट होता है एक्सेल में, इसके अलावा अगर कोई दूसरे फॉर्मेट में होता है तो यहाँ पर वैल्यू करके एक एरर आता है। एग्जांपल के लिए बता दूँ, अभी ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक करने पर या F2 करने पर ये सेल पर ये इस मोड में होता है। फर्स्ट जो होता है ये जो है मंथ है, ये डे है और ये ईयर है। मंथ जो है 12 होते हैं। अभी मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, यहाँ पर 13 कर देता हूँ, 13 कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर वैल्यू ये एरर आएगा और ये सेम जो है इसमें भी लागू होगा, मैच्योरिटी में भी। ये फर्स्ट जो है मंथ है 6 मतलब जून, मैं इसको 16 कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी जो है सेम एरर आएगा। दूसरा ये है कि इसमें से कोई भी वैल्यू जो है अगर नॉन न्यूमरिक आती है अगर, तब भी ये एरर आता है। एग्जांपल के लिए डिस्काउंट, अगर गलती से किसी के हाथ से
अगर कोई अल्फाबेट टाइप हो जाता है तो यहाँ पर जो है वैल्यू ये एरर आता है, इसको कंट्रोल जेड करके हम अंडू कर लेंगे। तो इस तरह से ये टी बिल प्राइस ये फंक्शन है। इल्ड ये एक फाइनेंशियल फंक्शन का ही फंक्शन है। ये फंक्शन ट्रेजरी बिल का इल्ड ये कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन के कुछ अर्गुमेंट्स है, ये तीन अर्गुमेंट्स है। सेटलमेंट, ये सेटलमेंट डेट है ट्रेजरी बिल का, जो कि एक रेगुलर डेट रहेगा। मेच्योरिटी, ये भी ट्रेजरी बिल का जो है मेच्योरिटी डेट है। पीआर, ये ट्रेजरी बिल का प्राइस है पर 100 डॉलर फेस वैल्यू के हिसाब से। अभी हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर एक कॉलम में ये सभी अर्गुमेंट की वैल्यू जो है ये पहले फिलअप कर लेते हैं। सेटलमेंट डेट हम यहाँ पर लेंगे 1 जनवरी 2016। मैच्योरिटी यहाँ पर लेंगे हम जून 25 2016। और यहाँ पर जो है पीआर ये हम लेंगे 2500। अभी हम ये सेल में ये फंक्शन को अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू टी बी आई एल एल वाई आई ई एल डी ब्रैकेट ओपन। उसके बाद अभी ये मांग रहा है सेटलमेंट, तो ये रहेगा सेटलमेंट डेट के लिए R4 ये सेल, कॉमा मैच्योरिटी तो R6, उसके बाद दोबारा कॉमा। अभी मांग रहा है पीआर, तो हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे R8, और यहाँ पर हम जो है ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ये यील्ड आया है -196%। जैसे कि अगर सेटलमेंट डेट या मैच्योरिटी ये अगर वैलिड डेट नहीं है अगर, तो यहाँ पर वैल्यू करके एक जो है एरर आता है। जैसे कि इसके पहले फंक्शन में भी हमने देखा, ये फर्स्ट जो वैल्यू है ये मंथ है, ये डे है और ये ईयर है। मंथ होते हैं 12, बराबर। यहाँ पर अगर मैं 13 कर देता हूँ तो ये इनवैलिड हो जाएगा, बराबर। तो ये देखिए ऊपर वैल्यू ये एरर आया है। अभी हम कंट्रोल जेड करके इसको जो है अंडू कर देंगे। ये सेम जो है यहाँ पर मेच्योरिटी डेट में भी लागू होगा। ये जो फर्स्ट जो वैल्यू है ये मंथ है जून, हम इसको 16 कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी सेम एरर आया है। उसके बाद अगर जो है पीआर ये 0 से कम होता है तो तब भी ये एरर आता है। अगर गलती से किसी से माइनस, ये मतलब अगर माइनस में ये चला गया लेस देन 0, तो तब ये नम नाम का एक एरर आता है। कंट्रोल जेड करके हम इसको अंडू करेंगे। मैच्योरिटी डेट या मैच्योरिटी डेट जो है ये सेटलमेंट से 1 साल से अगर ज़्यादा की अगर वैल्यू है इसकी, आगे की 1 साल ज़्यादा, तो तब भी ये नम एरर आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये 1 जैन को जो है ये सेटलमेंट हुआ है और ये 25 जून है, बराबर। अगर मैं इसको 25 जून 16 की जगह अगर 17 कर देता हूँ तो यहाँ पर भी ये एरर आएगा। ये देखिए नम एरर आया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर जो है सेटलमेंट मैच्योरिटी ये जो है इंटीजर ही होना चाहिए। तो इस तरह से ये टी बिल इल्ड ये जो है एक फंक्शन है। उसके बाद एक फंक्शन है टी बिल ई क्यू। ये फंक्शन जो है ट्रेजरी बिल का बॉन्ड इक्विवेलेंट इल्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये फंक्शन के कुछ अर्ग्यूमेंट्स है, जैसे कि सेटलमेंट, ये सेटलमेंट डेट है ट्रेजरी बिल का। मैच्योरिटी, ये ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी डेट है। डिस्काउंट, ट्रेजरी बिल का डिस्काउंट रेट है ये। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक कॉलम में ये सभी वैल्यू जो है पहले एक बार टाइप कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम जो है सेटलमेंट डेट लेंगे 2 फरवरी 2019। हाँ, यहाँ पर हमको थोड़ा ये चेंज करना होगा, इसको फॉर्मेट सेल करना होगा ये डेट में, और ये फॉर्मेट में चाहिए हमको। ओके, ये देखिए ये आ गया। उसके बाद ये जो रहेगा डिस्काउंट, ये नंबर में रहेगा। हाँ, ये 2 फरवरी 2019 सेटलमेंट, मैच्योरिटी थी इसकी जून 25 2019। अभी डिस्काउंट लेते हैं यहाँ पे 5%, डिस्काउंट रेट 5%। ये इसके आगे हम परसेंट भी लगा सकते हैं, 5%। और सॉरी, ये हमको फॉर्मेट ही करना होगा, फॉर्मेट सेल परसेंट। हाँ, ये हो गया 5%। अभी हम ये सेल में ये जो फंक्शन है ये अप्लाई करेंगे, TBILLEQ ब्रैकेट ओपन सेटलमेंट, तो हम R4 ये सेलेक्ट करेंगे सेल, कॉमा देंगे, मेच्योरिटी के लिए R6, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद डिस्काउंट के लिए R8, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो गए, तो इसको हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करके, और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ये आया है 0.05, ये इसका यील्ड है ट्रेजरी बिल का। अगर नहीं होता इंटीजर तो उसको कन्वर्ट कर देता है ये फॉर्मूला इंटीजर्स में। साथ ही में जो है सेटलमेंट या मेच्योरिटी, ये अगर वैलिड डेट नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू नाम का एक एरर आता है, जैसे कि दोबारा से बता दूंगा, ये यहाँ पर जो फर्स्ट जो यह है वैल्यू, ये मंथ है, 12 मंथ होते हैं, हम इसको 13 कर देते हैं। देखिए ऊपर वैल्यू करके एक एरर आया है, सेम वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ये फर्स्ट जो है ये जून है मंथ का, मतलब 6, इसको हम 16 कर देते हैं, तो देखिए ऊपर वैल्यू आई है, वैल्यू नाम का ये एरर आया है। साथ ही में यहाँ पर जो है अगर डिस्काउंट जो है 0 से कम होता है तो यहाँ पर जो है नम नाम का एक एरर आता है यहाँ पे, वो भी देख लेंगे हम। जैसे कि अगर गलती से ये 5 की जगह -5 हो गया जाता है तो ऊपर नम ये एक एरर आएगा। उसी तरह अगर सेटलमेंट जो है ये सेटलमेंट डेट मेच्योरिटी की बात की है, या मेच्योरिटी डेट जो है ये सेटलमेंट से 1 साल के बाद की है, तो यहाँ पर नम नाम का ये एरर आता है। एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, अगर सेटलमेंट डेट अगर मैं ये फरवरी की जगह यहाँ पर इसको जुलाई कर देता हूँ, तो ये देखिए ऊपर एरर आया है नम। उसके बाद ये फरवरी 2019 में हुआ है सेटलमेंट, और इसकी मेच्योरिटी है जून 19, तो मैं इसको 19 की जगह जून 2020 कर दूंगा, तब भी ये एरर आएगा। तो इस तरह से ये इसको हम कंट्रोल जेड कर देंगे पहले, तो इस तरह से ये जो है टी बिल ई क्यू ये फंक्शन है। आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में बताएं। जिनको पसंद आया है वो लाइक कर दे, जिन्हें पसंद नहीं आया है वो अनलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में ये वीडियो आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें जिन्हें जरूरत है उनके साथ, और नए लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बटन के बाजू में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।